गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जो वॉचिंग इंडियन मॉमी टॉकी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार किस तरह से दे सकते हैं, क्या इसकी एप्रोप्रिएट एज है, किस तरह से आप ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो एंड कैसे अपने बच्चे को गुड हैबिट्स सिखा सकते हो कि बड़े होकर वो एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में आप लोग के सामने आए। आज के इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूँगी आपके साथ में और आई एम एश्योरिंग यू कि इस वीडियो के एंड तक आप पूरा अच्छे से समझ जाओगे कि हाँ ये सारे टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करने होते हैं और फिर आप देखिएगा कि आपका बच्चा एकदम बहुत ही अच्छा गुड मैनर्ड बच्चा होगा। गुड मैनर्ड अच्छे संस्कार का मतलब ये नहीं है कि बच्चा एकदम शांत बैठा है, वो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करता है, शैतानियाँ करेगा लेकिन जो गलत चीज़ें हैं वो बच्चा नहीं करेगा। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है देन प्लीज़ कॉमेंट्स करने में बिल्कुल भी मत झिझकिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा क्योंकि जैसे जैसे आप लोग चीज़ें पूछते हैं वैसे वैसे मैं शेयर करती हूँ और ये आपके साथ साथ और अदर मॉमीज़ की भी हेल्प करता है। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि आजकल सभी बच्चे राइम्स देखना बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चे राइम्स इतना ज़्यादा पसंद करते ही क्यों हैं, क्या आपने कभी सोचा है? राइम्स बच्चों को इसलिए ज़्यादा पसंद आए क्योंकि जब बच्चे छोटे थे आपको अपना काम करना था, आपको मोबाइल पे लगना था या आपको अपनी जॉब पर जाना था या एक्स वाई जेड आपको अपने घर का कुछ भी काम करना था तो आपने क्या किया, बच्चों के आगे मोबाइल ओपन किया, उसमें राइम्स लगाया और बच्चे के आगे रख दिया तो बच्चा उसमें बिजी हो गया और आप अपना काम करने लगे। इससे हुआ क्या कि आपका काम भी आसान हो गया, बच्चा भी उसमें बिजी था लेकिन आपका बच्चा राइम्स का आदी हो गया है। मीन्स अब अगर बच्चे को राइम्स नहीं मिलते हैं तो बच्चा रो रहा है, झीक रहा है। आपको ये चीज़ बता दूँ कि मेरी बच्ची अभी 18 मंथ्स की होने ही वाली है एंड टच वुड 14 मंथ्स तक मैंने अपनी बच्ची को बिल्कुल भी मोबाइल में राइम्स नहीं दिखाए। अब आप सोचेंगे कि यार मैं तो एक यूट्यूबर भी हूँ, अपना घर भी संभालती हूँ, बच्चा भी संभालती हूँ तो ये सब चीज़ें मैंने मैनेज करी कैसे, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी टिप मैं आपको दूंगी कि अपने काम को मैंने सेकंड प्रायोरिटी दी और बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। जब भी मैं अपना किचन का काम करती थी या कुछ भी अदर काम करती थी तो मैं राव्या को अपने साथ हमेशा स्ट्रोलर में रखती थी या फिर जैसे जैसे राव्या बड़ी हुई तो हाई चेयर पर मैंने उसे रखना स्टार्ट किया, नहीं तो चटाई बिछा दी वहीं पर राव्या बैठी हुई है अपना खेल रही है और मैं उसके साथ बातें करती थी। इस तरह से मैं अपनी बच्ची को बिजी रखती थी लेकिन राइम्स देकर मैंने अपने बच्चे को कभी भी बिजी नहीं रखा। सो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि कोई भी चीज़ की अगर बच्चे को आदत लग रही है तो वो आप ही ने लगाई है, अब उसको छुड़ाना भी आप की जिम्मेदारी है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको बच्चे से कॉन्वर्सेशन करना है। कॉन्वर्सेशन का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल में लगे हुए हो और बच्चे से बोल रहे हो हाँ हाँ बोलो बेटा क्या कर रहे हो, अच्छा ठीक है ऐसे नहीं ऐसे करो। नो, कॉन्वर्सेशन इज लाइक कि आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट करना है, बच्चे को थोड़ा स्पेसिफिक टाइम देना है और बच्चे को राइम से दूर रखना है। एकदम से आदतें नहीं छूटेंगी लेकिन धीरे धीरे जब करेंगे तो आदतें जरूर छूटेंगी। सेकेंड पॉइंट संस्कार में क्या आता है कि आप बच्चे को गुड हैबिट्स सिखाओ। लाइक भी चीज़ अगर आप किसी गेस्ट को ऑफर कर रहे हो, बच्चा उस पर अटैक करे उससे पहले क्या है कि आप एक अलग कटोरी में बच्चे को लाकर दे दीजिए तो बच्चा उस चीज़ पर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो बच्चे ने उस चीज़ पर अटैक नहीं किया, आपके बच्चे की गुड हैबिट यहाँ पर शो हुई, वो लोग भी सोचेंगे कि यार देखो बच्चे ने तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं किया कि यार खाना वहाँ से उठाकर खा लिया। दूसरा कि आपने बच्चे के अंदर ऐसी हैबिट्स डाली हुई हैं कि उसको अलग से ही लेकर खाने की आदत है तो इस तरह से बच्चा अपना खा भी लेगा और आपके जो गेस्ट आए हैं उनके साथ कोई डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट कि बच्चा कुछ भी बाजार से सामान आता है बच्चा पूरा उसको बिखेर देता है, खाता कम है बिखेरता ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने बाहर से कुछ सामान लाया या फिर आपने घर में भी कुछ सामान बनाया आपने बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया तो अब बच्चे को तो नहीं आता है कि कैसे खाना है, सिखाना तो आप ही को पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि बचपन से ही लाइक ये बच्चा फिंगर फूड पर आता है तब आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि बच्चे को एक सेपरेट कटोरी या प्लेट दीजिए, उसमें रखकर बच्चे को दीजिए ताकि बच्चे को बचपन से ही उस चीज़ की आदत पड़े कि हमें किसी चीज़ में रख कर ही खाना है। आप लोग भी जब खाना खाते हो तो हाथ में लेकर तो नहीं खाते हो, प्लेट्स का यूज़ करते हो, सेम आपको बच्चे के साथ भी करना है। ये नहीं कि एक ही तो स्टिक है लो हाथ दे दी, नहीं, हमेशा बच्चे को निकाल कर कटोरी में ही आपको देना है। आप बाहर से कोई भी चीज़ लेकर आए फर्स्ट थिंग तो आपको बाहर की कोई चीज़ बच्चे को देनी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मौका तो ऐसा आता है कि आपको देना पड़ता है तो उस देना पड़ता है मैं आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा पैकेट बच्चे के हाथ में नहीं देना है,
क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है पैकेट हाथ में दिया, सारा खोला फेंक दिया, क्योंकि बच्चे को तो आते ही नहीं है और बच्चा जिद भी कर रहा है, नहीं नहीं मुझे तो खुद ही खोलना है। तो आपको समझाना है वहां पर बच्चे को कि नहीं, आप खुद नहीं खोलोगे, मम्मा आपको खोल कर देगी और हम थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। मतलब बच्चे को आपको खुद अपनी तरह से हैंडल करना आना चाहिए। जैसे भी मेरी बच्ची है, जैसे ही वो 10 मंथ्स की हुई, उसका फिंगर फूड स्टार्ट हुआ, तो मैं हमेशा उसको कटोरी में करके देती थी, वो उसमें से उठाकर खाती थी। मैं यहाँ पर उसका वीडियो भी अटैच करूंगी, आप देखिएगा। तो इस तरह से वो सामान जो आया वो फैलेगा भी नहीं, आपका बच्चा सही तरह से खाएगा भी। तो क्या है, ये अच्छे संस्कार हैं बच्चे के कि उसको एक अलग प्लेट में लेकर खाने की आदत हुई। नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा बच्चा तो हर चीज़ उठाकर फेंक देता है, इस चीज़ को हम कैसे सुधारें। देखिए, बच्चा अगर सारी चीज़ें फेंकता है तो वो चीज़ भी आपको मैनेज करनी सही टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हम कैसे मैनेज करेंगे, बच्चे का कोई ना कोई एक फेवरेट टॉय होता ही है, तो अगर बच्चा कोई चीज़ आपका सामान उठाकर फेंक रहा है तो आपको उसे डांटने की बजाय कहना क्या है, बेटा देखो उसको चोट लगी ना, जब आप गिरते हो तो आपको भी चोट लगती है ना, तो देखो उसको भी चोट लग गई। और फिर आपको ऐसा प्रिटेंड करना है, हो बेटा आपको चोट लगी, रव्या ने मारा, मतलब सॉरी रव्या मेरी बेटी का नाम है, तो मैं उसको जैसे समझाती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, रव्या दीदी ने मारा? नहीं बेटा, अभी ठीक है, हम रव्या दीदी से बात नहीं करेंगे। पेन हो रहा है आपको? पेन हो रहा है? नहीं। तो बच्चे को भी एहसास होगा कि यार उसको तो पेन हुआ, आप थोड़ा सा प्रिटेंड करो, ओ चोट लग गई। तो ऐसे बच्चे को लगता है कि हाँ यार दर्द हुआ, अब मेरे को नेक्स्ट टाइम से नहीं करना है। उसका कोई टॉय है, उसको गिराओ, उसके सामने गिराओ, करना पड़ेगा आपको ये, तो उसको लगेगा कि हाँ उसको तो चोट लग गई। तो इस तरह से बच्चे चीजें फेंकनी बंद करते हैं। मेरी बच्ची ने जब एक दो बार स्टार्टिंग में चीजें फेंकी ना, तो मैंने यही चीज उसके साथ अपनाई कि उसके टॉय को लेकर भी ना ऐसे थोड़ा सा उसके सामने फेंका कि देखो उसको कितनी चोट लगी है, रो रहा है वो। तो वो उसको फिर समझ में आया कि नहीं नहीं इसको प्यार करना है, फेंकना नहीं है। इस तरह से आप समझा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा बच्चा तो बड़ों के नाम लेता है, हर किसी को नाम से पुकारता है, तो ये हैबिट उसको कैसे लगी? क्योंकि घर में जैसे आप हो, आपसे बड़े हैं तो वो आपका नाम लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम उनका नाम लेते हैं। तो जो चीज़ बच्चा सुनता है, देखता है, वही चीज़ बच्चा सीखता है, क्योंकि बच्चा तो बहुत बड़ा कॉपी कैट होता है छोटेपन में ना। तो हम उसको सिखा, जो चीज़ वो देख रहा है वो सीख रहा है ना, तो हम उसको नेगेटिव वे की जगह पॉजिटिव वे में भी वो चीज़ें सिखा सकते हैं। कैसे? जैसे कि अभी मेरा भतीजा है, उसका नाम कृष्णा है। तो जब मैं रव्या के सामने बात करती हूँ, मेरी बेटी के सामने, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कृष्णा भैया, कृष्णा भैया से बात कर लो। रव्या की दीदी है रीवी, तो जब रीवी से बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं कि रीवी से बात करो, हम बोलते हैं रीवी दीदी। हम भी उसको रीवी दीदी बोलना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही उसको कृष्णा को हमने कृष्णा भैया बोलना स्टार्ट कर दिया। तो जो चीज़ बच्चा सुनेगा वही चीज़ बच्चा बोलेगा। हम उसको बोलते हैं कृष्णा क्या कर रहे हो, रीवी क्या कर रहे हो, तो रव्या भी वही सब बोलती। लेकिन जब वो सुनती है कि दीदी और भैया बोल रहे हैं, तो वो भी दीदी और भैया बोलती है। इस तरह से आप बच्चों के अंदर गुड हैबिट्स, अच्छे संस्कार जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कि बच्चों को सभी चीजें फैलाने की आदत होती है, तो हम बच्चों को उस चीजों को फैलाने के बजाय संगवाना कैसे सिखा सकते हैं, मीन्स उनके अंदर अच्छी आदतें कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज फैली हुई है तो आपको बच्चों के सामने वो सब चीजें समटा के रखनी है और बोलना है कि देखो बच्चा मम्मा को संभाल के रखा ना, ऐसे ही आपको भी संभाल के रखना है। एंड द मेन पॉइंट कि आप बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए, जितना आप बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे बच्चा उतना ही उस चीज को करेगा। अब आप अपने मतलब सारे टॉयज ना रव्या आपने बैग के अंदर रख दो, ठीक है? वेरी गुड, जैसे बच्चे ने फैलाया तो बोलो नो बेटा दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। तो मतलब बच्चे को एक्सप्रेशन समझ में आ रहे हैं कि आप खुश नहीं हो। फिर जैसे ही बच्चे ने उस चीज को उठाकर वापस उसकी जगह पर रखा, बोलो वेरी गुड बेटा, यू आर अ वेरी गुड गर्ल। डोंट थिंक कि यार बच्चा भी छोटा नहीं समझ रहा है, सब समझ रहा है बच्चा, आपके एक्सप्रेशन से सब चीजें समझता है। मेरी बेटी है, इसको ना प्याज आलू फैलाने का बहुत शौक है, तो फैलाती है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए फैलाने देती हूँ कि चलो फैलाओ, क्योंकि अगर हम हर चीज पर बच्चे को रोक टोक करेंगे ना, तब भी बच्चा आपकी बातें सुनना ही बंद कर देता है, इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। तो थोड़ी देर उसको खेलने दो, लेकिन उसके बाद आप उसको आदत डालो कि वापस उन चीजों को उसकी जगह पर रखे। तो इस तरह से रव्या को ना एप्रिसिएशन मिलता है, तो वो सब चीजें वापस उनकी जगह पर रखती है। तो बच्चे को जितना आप एप्रिशिएट करोगे उतनी ही वो सब चीजें वापस संगवाने की कोशिश करेगा। इस तरह से भी आप बच्चे को कर सकते हो। मैं जब भी कपड़े बाहर फैलाने जाती हूँ तो रव्या उन कपड़ों को पहले ना जमीन में फेंक देती थी। तो बच्चों को डांटने के बजाय आप बोलो कि अरे बेटा आप मम्मा को दो, फिर जैसे वो मम्मा को देती है तो मैं उसको फैला देती हूँ, बोलती हूँ अरे वाह वेरी गुड बेटा, थैंक यू थैंक यू। मतलब ऐसे अप्रिशिएट करोगे, कुछ
रिवॉर्ड गिविंग वर्ड्स अगर आप बच्चों के लिए यूज़ करोगे तो ये बच्चे को बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, और इस तरह से बच्चा आपकी हेल्प भी करेगा, अच्छे संस्कार भी सीखेगा, गुड हैबिट्स भी सीखेगा, और बच्चा तो मतलब आपको समझ लो यार, मेरी बच्ची तो टच वुड बहुत ही मेरी हेल्प करती है, और हर चीज़ हमने उसको बचपन से ही धीरे धीरे करके सिखाई है, प्रॉपर बैठकर खाना सिखाया है कि कैसे हमें खाना है। अब उसको पता है कि चेयर पे बैठकर ही खाना है, तो अपनी चेयर खुद निकाल कर लेकर आती है। तो ये हैबिट्स आप खुद ही जनरेट करोगे, तो प्रॉपर वे में आपको सही गाइडेंस होना ज़रूरी है। ये वीडियो से आपको आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड सभी मॉम्स को शेयर ज़रूर कीजिए। छोटा है बच्चा, बड़ा है, किसी भी एज से आप ये सब चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, बस प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, लेकिन यार सब चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी था। और अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि बच्चे को प्रॉपर खाना किस तरह से खिलाना चाहिए, कैसे आप बच्चों को खाना खिलाना सिखा सकते हो, बच्चे को प्रॉपर वे में कैसे नहला सकते हो, बच्चे को राइम्स से कैसे दूर बिठा सकते हो, मतलब बच्चों को राइम्स की आदत ना पड़े, ये सब चीज़ें। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं, सो बने रहिए वीडियोस में, एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंटिल बाय बाय एंड टेक।